Good morning, students. This is Anil K. Sharma and welcome you to my channel Oracle Tech India. और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का वीडियो लेक्चर 9th है और इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्स्टेंट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे. तो कॉन्स्टेंट्स जो है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. एक तो जब हम एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे टेबल्स को क्रिएट करते हैं तो उस टेबल पे और उस टेबल में जितने भी कॉलम्स होते हैं उन कॉलम्स पे कॉन्स्टेंट लगाए जाते हैं. और दूसरा जो है जब हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, डेटाबेस की लॉजिकल डिजाइनिंग तैयार करते हैं, तो वहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई करके डेटा को अरेंज करते हैं. तो इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम जानेंगे कि जब एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे टेबल्स को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स अप्लाई होते हैं और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज कौन कौन से हैं जो डेटाबेस में यूज होते हैं, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कॉन्स्टेंट क्या है. तो कॉन्स्टेंट्स जो है टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन गो इनटू अ टेबल. तो एक टेबल के ऊपर, एक कॉलम के ऊपर हम कॉन्स्टेंट्स इसलिए लगाते हैं ताकि ये डिसाइड हो सके कि किस तरह का डेटा टेबल के अंदर सेव होना चाहिए. लेट सपोज एक टेबल पे सैलरी वाले कॉलम पे मैंने चेक कॉन्स्टेंट लगा दिया है और उसमें ये चेक लगाया है मैंने कि 8000 से कम सैलरी उस टेबल में स्टोर नहीं होना चाहिए. तो जब भी सैलरी वाले कॉलम में हम 8000 से कम की सैलरी इंसर्ट करेंगे तो चेक कॉन्स्टेंट के वायलेशन का एरर शो करेगा. साथ ही साथ हम कॉन्स्टेंट को यूज करते हैं टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इनसाइड टेबल. एक टेबल के अंदर डेटा की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए भी हम कॉन्स्टेंट्स को यूज करते हैं. तो अब देखते हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्स्टेंट है उसका नाम है प्राइमरी की. तो प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की कॉन्स्टेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज इच रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस. तो प्राइमरी की जो है एक टेबल के अंदर एक एम्प्लॉई की आईडी जरूर होगी, तो उस आईडी को हम प्राइमरी की बना करके रखते हैं ताकि उस एम्प्लॉई के रिगार्डिंग कभी भी कोई इंफॉर्मेशन इंसर्ट अपडेट और डिलीट करना है तो उसी आईडी के बेसिस पे हम उस एम्प्लॉई की इंफॉर्मेशन को हम अपडेट इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई नाम का एक टेबल है और उस एम्प्लॉई नाम के टेबल में एम्प्लॉई आईडी है, उसके बाद ईएमपी नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नेम है. तो उस एम्प्लॉई टेबल में हम जो है एम्प्लॉई आईडी को प्राइमरी की बना देंगे. तो एम्प्लॉई आईडी सारी जब प्राइमरी की बन जाएगी तो उस प्राइमरी की के बेसिस पे ही, उस एम्प्लॉई आईडी के बेसिस पे ही हम एम्प्लॉई के इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं. तो इसलिए प्राइमरी की कॉन्स्टेंट को हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर इच रिकॉर्ड को ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है. तो एक प्राइमरी की जो है मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू. तो एक प्राइमरी की जो है वो मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू. तो प्राइमरी की अगर एम्प्लॉई आईडी को मैंने प्राइमरी की डिक्लेयर किया है तो प्राइमरी की वाले कॉलम में हमेशा यूनिक वैल्यू आएगी. क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉई की आईडी बन जाती है. ऐसा नहीं है कि प्राइमरी की डिक्लेयर करने के बाद 101 एक एम्प्लॉई की आईडी बना दी और फिर दूसरे एम्प्लॉई की आईडी भी मैंने 101 ही बना दी. नहीं, ऐसे एरर दिखाएगा. तो प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू होना चाहिए और साथ ही साथ उस प्राइमरी की वाले कॉलम में नल वैल्यू नहीं होना चाहिए. नल वैल्यू का मतलब है कि उस कॉलम को हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं. तो प्राइमरी की कॉन्स्टेंट क्या होता है? एक टेबल के अंदर, डेटाबेस के टेबल के अंदर इच रिकॉर्ड को ये आइडेंटिफाई करता है. साथ ही साथ प्राइमरी की में हमेशा यूनिक वैल्यू आएगी, रिपीटेड वैल्यू नहीं आएगी. और साथ ही साथ जो है प्राइमरी की वाले कॉलम को, यानी कि एम्प्लॉई आईडी वाले कॉलम को जिसको हमने प्राइमरी की डिक्लेयर किया है, उस कॉलम को हम नल वैल्यू नहीं डिक्लेयर कर सकते, मतलब उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं.
अब देखते हैं कि फॉरेन की क्या है। तो फॉरेन की जो है, ए फॉरेन की इज यूज टू लिंक टू टेबल्स। तो फॉरेन की का यूज करते हैं हम दो टेबल्स को जोड़ने के लिए। तो मेरा जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, हाउ टू बिकम ओरेकल डीबीए, उसमें मैंने बताया है कि डेटाबेस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस क्या है और ओरेकल का डेटाबेस क्या है। तो जब मैंने उसमें डेटाबेस को डिफाइन किया था, तो मैंने बताया था कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है और उन सारे इंफॉर्मेशन को हम टेबल्स के फॉर्म में रखते हैं। तो अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है और उससे रिगार्डिंग हम बहुत सारे टेबल्स को जनरेट करेंगे, टेबल्स को बनाएंगे, तो टेबल्स हमारे पास बहुत सारी हो जाएगी, तो उसको मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। तो उन सारे टेबल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो उन सारे टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए हम हेल्प लेते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की। तो फॉरेन की का यहाँ पर रोल वही है कि दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए फॉरेन की का यूज़ करते हैं। तो ए फॉरेन की इज ए फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो जो है, हमारे पास दो टेबल्स होंगी और एक टेबल के ऊपर जो है प्राइमरी की अप्लाई की जाती है और दूसरे टेबल के ऊपर फॉरेन की अप्लाई की जाती है। तो फॉरेन की वाला कॉलम जो है वो हमेशा जो है प्राइमरी की वाले फर्स्ट टेबल को क्या करेगी, रेफर करेगी। तो द टेबल कंटेनिंग द फॉरेन की इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल। तो दूसरा टेबल जिसमें मैंने फॉरेन की लगाया है उसको चाइल्ड टेबल बोलते हैं, एंड द टेबल कंटेनिंग द कैंडिडेट की इज कॉल्ड द रेफरेंस्ड और पेरेंट टेबल। और पहला टेबल जिसमें मैंने प्राइमरी की डिक्लेयर किया है उसको कैंडिडेट की भी बोलते हैं और उसको पेरेंट टेबल भी बोलते हैं। तो फॉरेन की को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने दो टेबल लिया, एक तो स्टूडेंट टेबल लिया और दूसरा टेबल मैंने लिया टीचर टेबल। तो स्टूडेंट टेबल में जो है मैं एक आईडी बनाऊंगा, स्टूडेंट आईडी, और उस स्टूडेंट आईडी को मैं प्राइमरी की डिक्लेयर कर दूंगा। और दूसरा टेबल बनाऊंगा मैं टीचर टेबल, उसमें टीचर के नाम होंगे और उस टीचर टेबल को स्टूडेंट टेबल के साथ मुझे जोड़ना है। तो टीचर टेबल में एक और स्टूडेंट आईडी लूंगा। तो पहले वाले टेबल में, स्टूडेंट टेबल में भी स्टूडेंट आईडी है और दूसरे वाले टीचर टेबल में भी स्टूडेंट आईडी है। तो पहले वाले टेबल का स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की मानी जाएगी और दूसरे वाले टीचर टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है उसको फॉरेन की बना करके जो है टीचर टेबल को स्टूडेंट टेबल के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर फॉरेन की जो है, यहाँ पर जो टीचर वाले टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है जिसमें मैंने फॉरेन की अप्लाई किया है, वो हमेशा इंडिकेट करेगा पहले वाले टेबल, यानी कि स्टूडेंट वाले टेबल में जिसमें मैंने प्राइमरी की अप्लाई किया है स्टूडेंट आईडी पे, उसको इंडिकेट करेगा। अब समझते हैं कि यूनिक की क्या है। तो यूनिक कॉन्स्टेंट इंश्योर्स दैट ए फील्ड और कॉलम विल ओनली हैव यूनिक वैल्यूज। तो जिस भी एक टेबल के अंदर जिस भी कॉलम पे हम यूनिक की कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे, तो उस कॉलम में हमेशा यूनिक वैल्यू ही लेगा। मान लीजिए मैंने एक ईमेल आईडी का कॉलम बना दिया और उस ईमेल आईडी के कॉलम पे मैंने यूनिक की कांस्टेंट डाल दिया। तो अब हम ईमेल आईडी के कॉलम में जितनी भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, तो ईमेल आईडी अगर सेम आएगा उस कॉलम में तो वो यूनिक की कांस्टेंट का एरर दिखाएगा। तो ए यूनिक कांस्टेंट फील्ड विल नॉट हैव ए डुप्लीकेट वैल्यू। यूनिक की कांस्टेंट वाला जो कॉलम है वो डुप्लीकेट वैल्यू को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस कांस्टेंट कैन बी अप्लाइड एट कॉलम लेवल और टेबल लेवल। तो यूनिक की कांस्टेंट जो है वो कॉलम लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं और टेबल के लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जब एक टेबल को बनाएंगे तो पूरे टेबल पे भी हम यूनिक की कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं और उस टेबल में कॉलम्स के ऊपर भी यूनिक की कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है, आगे जब मैं एसक्यूएल का मॉड्यूल स्टार्ट करूंगा, तो उसमें जब मैं टेबल्स को क्रिएट करना सिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि प्राइमरी की कैसे लगाते हैं, फॉरेन की कैसे लगाते हैं, यूनिक की कांस्टेंट कैसे लगाते हैं, साथ ही साथ चेक कांस्टेंट, नोट नल और डिफॉल्ट की कांस्टेंट कैसे लगाते हैं। तो प्रैक्टिकली वहाँ पर जब आप लोग देखोगे तो आपको अच्छे से
समझ में आएगा। अब चलते हैं चेक कॉन्स्टेंट। तो चेक कॉन्स्टेंट क्या है? चेक कॉन्स्टेंट इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ ए कॉलम बिटवीन ए रेंज। तो कोई भी कॉलम है, जैसे सैलरी कॉलम है, उस सैलरी वाले कॉलम पे मैंने एक रेंज फिक्स कर दी है कि 8,000 से लेकर के 20,000 रुपये के बीच में ही उसकी सैलरी उस टेबल में इंसर्ट होना चाहिए। तो वहाँ पर चेक कॉन्स्टेंट मैंने लगा दिया, उसमें रेंज फिक्स कर दी 8,000 से 20,000 के बीच में सैलरी। तो 8,000 से लेकर के 20,000 के बीच में जब भी सैलरी उसमें इंसर्ट करेंगे तभी वो कॉलम एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज चेक कॉन्स्टेंट का वायलेशन एरर दिखाएगा। इट परफॉर्म्स चेक ऑन द वैल्यू बिफोर स्टोरिंग दैम इन टू डेटाबेस। तो चेक कॉन्स्टेंट क्या करता है, डेटाबेस में वैल्यू स्टोर होने से पहले चेक करता है कि उस पर क्या, मतलब क्या कंडीशन लगाई गई है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो जो है इंफॉर्मेशन टेबल में स्टोर होगी, अदरवाइज वो एरर रिटर्न कर देगा। इट इज़ लाइक कंडीशन चेकिंग बिफोर सेविंग डेटा इन टू ए कॉलम। तो कॉलम में डेटा जाने से पहले, कॉलम में डेटा सेव होने से पहले ये कंडीशन को चेक करता है। अब चलते हैं नोटनल वैल्यू क्या है, मतलब नोटनल कांस्टेंट क्या है। तो नोटनल कांस्टेंट रेस्ट्रिक्ट्स ए कॉलम फ्रॉम हैविंग ए नल वैल्यू। तो जिस भी कॉलम पे हमने नल वैल्यू कांस्टेंट लगा दिया है तो उस कॉलम को हम एम्प्टी कभी भी नहीं छोड़ सकते। जब भी उस वैल्यू को, उस कॉलम को एम्प्टी छोड़ेंगे तो जो है नोट नल कांस्टेंट का एरर शो करेगा। तो वंस नोट नल कांस्टेंट इज अप्लाइड टू ए कॉलम, यू कैन नॉट पास ए नल वैल्यू टू दैट कॉलम। तो एक बार अगर हमने कॉलम पे नोट नल का कांस्टेंट लगा दिया तो उस कॉलम में नल वैल्यू कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब उस कॉलम को एम्प्टी छोड़ेंगे तो एम्प्टी छोड़ने पर वो एरर शो करेगा। इट एनफोर्सेस ए कॉलम टू कंटेन ए प्रॉपर वैल्यू। तो नोट नल कॉन्स्टेंट अप्लाई करने के बाद वो कॉलम हमेशा फोर्स करेगा कि उसमें एक प्रॉपर वैल्यू आने ही चाहिए। लास्ट कॉन्स्टेंट है हमारा डिफॉल्ट की कॉन्स्टेंट। तो द डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट इज यूज टू प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम। तो जिस भी कॉलम पे हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे कि 100, तो जब भी एक नया कॉल, जब भी हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और उस कॉलम में अगर हम कोई वैल्यू खाली छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली उस कॉलम में जो है डिफॉल्ट वैल्यू 100 आ जाएगी। तो द डिफॉल्ट वैल्यू विल बी एडेड टू ऑल न्यू रिकॉर्ड्स इफ नो अदर वैल्यू इज स्पेसिफाइड। तो यानी कि जब हम एक नया रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट करते हैं और जिस कॉलम पे हमने डिफॉल्ट की कॉन्स्टेंट लगाया है उस कॉलम में अगर हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते, उसको खाली छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट की है, जैसे 100 सेट की है, तो 100 जो है ऑटोमेटिकली उस वाले कॉलम में जो खाली है सब में आ जाएगी। तो ये था हमारा कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो इसका जब हम आगे एसक्यूएल मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा, तो ये सारा आपको जो है कॉन्स्टेंट लगाना आ जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, तो अब देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कीज कौन कौन से होते हैं जो डेटाबेस में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो की है उसका नाम है सुपर की। तो देखते हैं कि सुपर की क्या होता है। एनी यूनिक की विथ सम नॉन यूनिक की कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द सुपर की। यानी कि सुपर की किसको कहते हैं कि एक तो यूनिक की होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें नॉन यूनिक की भी होना चाहिए। तो यूनिक की और साथ में नॉन यूनिक की के कॉम्बिनेशन को हम सुपर की बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय टेबल, हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है और उसमें एम्प्लॉय आईडी क्या है, एक यूनिक की है, और ईएमपी नेम, जॉब आईडी और डीपीटी आईडी ये क्या है, ये तीनों हमारे पास जो है ये नॉन यूनिक की है। तो डीपीटी आईडी जो है ये यूनिक की बन सकती है जब हम दूसरे टेबल को इससे जोड़ देंगे, यानी कि इसको प्राइमरी की बना देंगे और जिस टेबल को जोड़ेंगे उस टेबल में डीपीटी आईडी डाल करके उसको फॉरेन की बना देंगे, तो डीपीटी आईडी जो है यहाँ पर यूनिक की हो जाएगी। बट यहाँ पर कोई टेबल आपस में जोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए सिर्फ इसी टेबल में, एम्प्लॉय टेबल की अगर बात करें तो इसमें एक की तो हमारे पास यूनिक की है जिसको एम्प्लॉय आईडी बोलते हैं,
और दूसरा जो है ईएमपी नेम, जॉब आईडी और डीपीटी आईडी, ये क्या है, तीनों नॉन यूनिक की है। तो यूनिक की प्लस नॉन यूनिक की के कॉम्बिनेशन को हम सुपर की बोलते हैं। तो सुपर की में ये होता है कि एम्प्लॉय कोई भी हम एक नया टेबल बनाएंगे तो एम्प्लॉय आईडी उस टेबल में रखेंगे ही रखेंगे, साथ में उसके साथ कोई भी एक कॉलम ले सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी के साथ हम ईएमपी नेम एक कॉलम ले सकते हैं, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर यूनिक की है और ईएमपी नेम हमारा नॉन यूनिक की है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो है सुपर की है। उसी तरीके से एक दूसरा टेबल है, उसमें हमारे पास कॉलम्स के नेम है एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी नेम, जॉब आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी हमारे पास यूनिक की है और ईएमपी नेम, जॉब आईडी नॉन यूनिक की है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो है सुपर की है। उसी तरीके से एक तीसरा टेबल बनाया हमने, जिसमें एम्प्लॉय आईडी डाल दिया, ईएमपी नेम डाल दिया कॉलम के नेम, जॉब आईडी डाल दी, डीपीटी आईडी डाल दी। तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारे पास यूनिक की है। क्यों? क्योंकि इस टेबल में जब भी हम कोई नाम अपडेट करेंगे, कोई जॉब आईडी अपडेट करेंगे, कोई भी डीपीटी आईडी अपडेट डिलीट कुछ भी करेंगे, तो हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए एम्प्लॉय आईडी जो है यूनिक की है और ईएमपी नेम, जॉब आईडी और डीपीटी आईडी ये नॉन यूनिक की है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो है आपका सुपर की है। अब समझते हैं कि कैंडिडेट की क्या है। तो कैंडिडेट की इज ए सिंगल की और ए ग्रुप ऑफ मल्टीपल कीज दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रोज इन ए टेबल। तो कैंडिडेट की क्या है, प्राइमरी की को भी हम कैंडिडेट की बोल सकते हैं। तो कैंडिडेट की एक सिंगल की भी हो सकती है, या फिर एक रिकॉर्ड को, एक रो को, एक टपल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास ग्रुप ऑफ मल्टीपल कीज भी हो सकती है। मतलब एक तो प्राइमरी की के बेसिस पे हम एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि प्राइमरी की ना हो बट एक दो तीन या तीन से ज़्यादा कीज को आपस में मिला करके हम किसी टपल को आइडेंटिफाई करें, तो उसी को बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ मल्टीपल कीज। तो एक ग्रुप ऑफ मल्टीपल कीज के हेल्प से भी हम एक रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेबल में। तो यहाँ पर जो है सिंगल की, जिससे पूरे टपल्स को, पूरे रिकॉर्ड को, पूरे रो को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वो सिंगल की भी कैंडिडेट की हो सकती है, जो प्राइमरी की ही तरह है। और ग्रुप ऑफ मल्टीपल कीज को यूज करके भी हम एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो भी एक कैंडिडेट की है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, और उस स्टूडेंट टेबल में हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ है। तो स्टूडेंट आईडी से हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेबल में, या फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, इन तीनों कीज के कॉम्बिनेशन से भी हम एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट आईडी हमारा कैंडिडेट की है, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों एक साथ मिला करके इसको भी हम एक कैंडिडेट की बोल सकते हैं। तो कैंडिडेट की और सुपर की लगभग मिलता जुलता है। तो हियर वी कैन सी दैट टू कैंडिडेट कीज, यहाँ पे हमारे पास दो कैंडिडेट कीज है, एक तो स्टूडेंट आईडी है हमारे पास, और दूसरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ये भी हमारा एक दूसरा कैंडिडेट की है। अब समझते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के बारे में मैंने फर्स्ट स्लाइड में बता दिया था, इसमें देखते हैं क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो इट इज़ ए कॉलम इन ए टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रोज इन ए टेबल। तो एक टेबल के अंदर रोज या फिर रिकॉर्ड या फिर टपल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास प्राइमरी की का कॉलम होता है, यानी कि वो कॉलम जिस कॉलम पे हमने प्राइमरी की अप्लाई किया है, तो वो कॉलम एक टेबल के अंदर रोज, रिकॉर्ड और टपल्स को आइडेंटिफाई करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आई डी इज 101, 102, 103। मान लीजिए एक टेबल में कस्टमर आई डी को मैंने प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया, तो उस कस्टमर आई डी में 101 क्या है, एक आई डी है जो यूनिकली रिकॉर्ड को, उस कस्टमर के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगा। 102, 103 ये उस कस्टमर के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगा, मतलब उस कस्टमर वाले टेबल में जो है किसी
किसी भी कस्टमर के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन हम अपडेट करना चाहते हैं, किसी का नाम चेंज करना चाहते हैं, किसी की सैलरी चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसका कस्टमर आईडी जिस पर मैंने प्राइमरी की अप्लाई किया हुआ है, उस कस्टमर आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, तभी उसका जो है सैलरी या उसका नाम अपडेट हो सकता है। तो देर इज ओनली वन प्राइमरी की फॉर ए टेबल। तो कोई भी एक टेबल जब हम बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, तो मल्टीपल कॉलम्स में किसी एक कॉलम पर ही हम प्राइमरी की को अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम पे हम प्राइमरी की अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। तो प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब प्राइमरी की वाले कॉलम को हम कभी भी एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं। प्राइमरी की क्रिएट्स ए क्लस्टर इंडेक्स बाय डिफॉल्ट, और जिस भी कॉलम के ऊपर हम प्राइमरी की अप्लाई करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एक क्लस्टर इंडेक्स बना देता है, एक इंडेक्स बना देता है, बट क्लस्टर इंडेक्स बनाता है। क्लस्टर इंडेक्स का मतलब है कि इंडेक्स बनाता है और उस पर जो आईडी होती है वो सीक्वेंस में होती है, 1 2 3 4 5 6। अगर जैसे 101, 102, 103, 105, तो ये क्लस्टर्ड इंडेक्स है। अगर 101, 103, फिर 102, फिर 107, 106, ये अगर रैंडमली जो है इंडेक्स नहीं बनाएगा वो, मतलब जब भी इंडेक्स बनेगी तो एक सीक्वेंस में ही इंडेक्स बनेगी, 101, 102, 103, 104, 105 एक सीक्वेंस में बनेगी, तो इसी को क्लस्टर्ड इंडेक्स बोलते हैं। अब देखते हैं फॉरेन की। तो फॉरेन की के बारे में भी मैंने फर्स्ट स्लाइड में बता दिया था। तो फॉरेन की क्या है? इट इज ए कॉलम दैट पॉइंट्स टू प्राइमरी की। तो फॉरेन की का यूज करते हैं, फॉरेन की का यूज करते हैं हम दो टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए, और फॉरेन की वाला टेबल जो है हमेशा प्राइमरी की वाले टेबल को इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल 107, यानी कि फॉरेन की वाले टेबल में अगर कोई एम्प्लॉई आईडी 107 है तो प्राइमरी की वाले टेबल में भी एम्प्लॉई आईडी 107 ही होगा। तो इस तरीके से ये सारी आईडी जो है प्राइमरी की वाले टेबल में भी होंगे। अब चलते हैं यूनिक की। तो यूनिक की क्या है? इट एक्सेप्ट्स नल वैल्यू। जिस भी कॉलम पर हम यूनिक की लगाते हैं तो वो कॉलम नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब उसको हम एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। मोर देन वन यूनिक की विल बी देयर इन ए टेबल। और एक टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स है तो हम मल्टीपल कॉलम्स पे यूनिक की अप्लाई कर सकते हैं, बट प्राइमरी की हम केवल एक ही कॉलम पर अप्लाई कर सकते हैं, सारे कॉलम पे अप्लाई नहीं कर सकते। यूनिक की क्रिएट्स नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बाय डिफॉल्ट। और जिस भी कॉलम के ऊपर हम यूनिक की लगाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वो भी एक इंडेक्स तैयार कर देता है, पर एक सीक्वेंस में इंडेक्स तैयार नहीं करता है। उसमें ये कंडीशन नहीं होगी कि मान ले डीपीटी आईडी पर मैंने यूनिक की कॉन्स्टेंट लगा दिया तो इंडेक्स तो वो भी क्रिएट कर देगा, पर जरूरी नहीं है कि डीपीटी आईडी में जो भी वैल्यू हम डालें वो सब सीक्वेंस में ही वैल्यू आए, मतलब डीपीटी आईडी 101, 102, 103, 104, 104, तो जरूरी नहीं है कि इसी के सीक्वेंस में डीपीटी आईडी आए, ठीक है? तो वहां पर हम 101, 105, 107, 103 कैसे भी डाल सकते हैं, तो उसी के हिसाब से इंडेक्स भी क्रिएट करता है, बट प्राइमरी की में सीक्वेंस में ले लेता है। अब देखते हैं अल्टरनेट की क्या है। तो इट इज़ ए सेकेंडरी की, इसको सेकेंडरी की बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एन एंटिटी स्टूडेंट, एक हमारे पास एंटिटी है, एक टेबल का नाम है स्टूडेंट और एट्रीब्यूट्स आर, और उस टेबल में स्टूडेंट टेबल में एट्रीब्यूट्स है हमारे पास नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी और कोर्स। तो प्राइमरी की इज रोल नंबर, तो स्टूडेंट टेबल में जो एट्रीब्यूट्स है नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी और कोर्स, तो स्टूडेंट आईडी जो है, सॉरी रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है, बट स्टूडेंट आईडी इज अल्टरनेट की, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो है हमारे पास अल्टरनेट की है, मतलब स्टूडेंट टेबल में जो एट्रीब्यूट्स है नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी और कोर्स, तो यहाँ पर रोल नंबर को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं और स्टूडेंट आईडी को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की हो गया, और बिल्कुल इसके जैसा दूसरा जो आईडी है उसको हम अल्टरनेट की बोलते हैं।
तो इफ ए टेबल हैज मोर देन वन कैंडिडेट कीज देन वन इज कॉल्ड प्राइमरी की एंड रेस्ट आर कॉल्ड ऑल्टरनेट कीज। तो एक टेबल में अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट की है, एक से ज्यादा प्राइमरी की है, तो एक को तो हम प्राइमरी की बोलेंगे और दूसरे को हम ऑल्टरनेट की बोलेंगे। आप समझते हैं कि कॉम्पोजिट की क्या है। तो इफ द टेबल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय द हेल्प ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट द कलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्पोजिट की। तो एक टेबल में अगर किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है, तो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट के कलेक्शन को ही हम कॉम्पोजिट की बोलते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का ये वाला वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।